100 मीटर ऊंची विशालकाय चट्टान पर खड़ा ये देश का सबसे अभेद्य किला है। संगीत और ऐतिहासिक विरासत के शहर ग्वालियर में आपका स्वागत है, जहां आते हैं दुनिया भर के पर्यटक। ग्वालियर एक ऐतिहासिक भारतीय शहर भारत में मध्य प्रदेश राज्य की परिधि पर स्थित है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के इस शहर में पर्यटन को लेकर क्या खास है। ये शहर अपनी ऐतिहासिक विरासतों, लोक कला, संस्कृति, खान पान और संगीत के एक स्वर्णिम इतिहास को समेटे हुए है। कुछ क्षेत्रों में बांटकर देखेंगे तो ग्वालियर को आसानी से कम समय में देख पाएंगे। सबसे पहले ग्वालियर के मुख्य पर्यटन स्थल ग्वालियर किले की बात करें तो इसका पूरा क्षेत्रफल 10 किलोमीटर में फैला है और इसकी जमीन तल से ऊंचाई लगभग 300 फुट है। इसका निर्माण सन 525 ईस्वी में पाल वंश के राजा सूरज सेन ने कराया था। अतीत से अब तक अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए पहचाने जाने वाले इस विशाल किले को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। किले में कई महल, मंदिर और बावड़िया है। ईसा पूर्व 6 शताब्दी से मौजूद इस किले पर प्रतिहार, पाल और गुर्जरों से लेकर राजपूत, मराठों, मुगलों और अंग्रेजों का अधिकार रहा। ये मान मंदिर है 15वीं शताब्दी में, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया। किले के रंग और नक्काशी तो देखते ही बनते हैं। मान मंदिर के पीछे आप देखेंगे कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल और शाहजहां महल जैसी अन्य ऐतिहासिक विरासतें। पास ही में पुरातत्व संग्रहालय है। विश्व इतिहास में 0 अंक का दूसरा सबसे पुराना साक्ष्य इसी किले के चतुर्भुज मंदिर में मिलता है। 100 फीट ऊंचा तेली का मंदिर ग्वालियर की सबसे ऊंची इमारत है। 9वीं शताब्दी में इसे तेल व्यापारियों के धन से बनवाए जाने के कारण इसका नाम तेली का मंदिर पड़ा। द्रविड़ शैली में बना यह इस क्षेत्र का एकमात्र मंदिर है। किले पर अन्य मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित भगवान विष्णु का सहस्त्रबाहु मंदिर है, जिसे आमजन सास बहु का मंदिर कहते हैं। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी की याद में है, जो औरंगजेब के कारागृह से 52 राजाओं समेत आजाद हुए थे। ये सूरज कुंड है। 8वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजकुमार सूरज से इसी सूरज कुंड के औषधीय जल को पीकर कोढ़ रोग से मुक्त हुए थे। किले से उतरते वक्त दीवारों पर 15वीं शताब्दी की जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां नजर आएंगी। गोपाचल पर्वत पर भी जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियां देखी जा सकती हैं। किले के दूसरी तरफ के द्वार पर स्थित है गुजरी महल, जो राजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। यहां आप पहली और दूसरी शताब्दी की मूर्तियां देख सकते हैं। 16वीं शताब्दी के मुस्लिम संत शेख मोहम्मद गौस की याद में बना है ये गौस का मकबरा। पास ही में उनके शिष्य संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा है, जिनकी याद में यहाँ प्रतिवर्ष तानसेन समारोह आयोजित होता है। 15वीं शताब्दी में लदेड़ी गेट का निर्माण राजा कल्याण मल ने अपने मित्र और जौनपुर के शासक आजम लाल खान के स्वागत में करवाया था। दुनिया भर में मशहूर ग्वालियर के कालीन को अपनी खासियतों के चलते GI टैग मिला हुआ है। कालीन पार्क से आप अपनी पसंद के कालीन खरीद सकते हैं। किले से उतरकर अब आते हैं शहर के मध्य फूलबाग क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सैलानी ग्वालियर की कई ऐतिहासिक विरासतों को देखने के साथ रमणीय स्थलों का आनंद ले सकते हैं। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की छत्री है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ घनघोर युद्ध करने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार यहीं किया गया था। इसी के समीप मोती महल परिसर में स्थित निगम संग्रहालय में वीरांगना लक्ष्मीबाई के अस्त्र शस्त्र समेत कई अनमोल कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। मोती महल परिसर में ही 19वीं शताब्दी में निर्मित मोती महल कभी मध्य भारत राज्य की विधानसभा हुआ करता था। इसकी स्थापत्य कला और दरबार हॉल की कलाकृतियां देखते ही बनती हैं। इसी क्षेत्र में स्थित है खूबसूरत बैजातार, जो देश विदेश में तैरते हुए रंगमंच के नाम से विख्यात है। फसाद लाइटिंग से रोशन बैजाताल में शाम को आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बैजाताल के समीप ही बने रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट डिजाइन सेंटर में सैलानी शिल्पकारों द्वारा तैयार की जा रही मूर्तियों को देख सकते हैं। इस सेंटर में तैयार मूर्तियां देश विदेश में भेजी जाती हैं। आगे बढ़ने पर आपको मिलता है जयविलास पैलेस, जो देश के भव्यतम महलों में से एक है। इसे संग्रहालय का रूप दिया गया है।
फूलबाग में ही बने 200 साल पुराने जल विहार में आप शीतल सुकून भरी शाम गुजार सकते हैं। यहाँ पूरे क्षेत्र में रियासत काल में स्थापित किए गए फाउंटेन सिस्टम के बारे में मशहूर है कि राजा महाराजाओं के दौर में यहाँ पानी का पर्दा सा बनता था। जल विहार से लगा इटालियन गार्डन भी ग्वालियर के सबसे पुराने उद्यानों में शामिल है। इसी के पास स्थित है ऐतिहासिक मशहूर गोपाल मंदिर, जहाँ आज भी जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण को 100 करोड़ के प्राचीन आभूषण पहनाए जाते हैं। वहीं ऐतिहासिक विरासत बारादरी को 150 साल पहले राजपरिवार के नौकायन के लिए बनवाया गया था। फूलबाग से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर स्थित है वीर सावरकर सरोवर कटोरा ताल, जहां संगीत की धुन पर नाचते फव्वारे आपका मन मोह लेंगे। कटोरा ताल के आसपास के पूरे क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है, जहां शाम को आप अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। कटोरा ताल के समीप है भव्यता का प्रतीक MLB कॉलेज। कटोरा ताल के ही सामने मौजूद है राजघराने के दिवंगत परिजनों की छत्रियां। अब बात करते हैं ग्वालियर के हृदय स्थल और मुख्य व्यावसायिक केंद्र महाराज बाड़ा क्षेत्र की, जिसके केंद्र में ऐतिहासिक जीवाजी चौक है। जीवाजी चौक के चारों तरफ 7 ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है, जो अलग अलग स्थापत्य कला के अनुसार निर्मित है। इन पर की गई खूबसूरत फसाद लाइटिंग रात्रि में पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इनमें से एक इमारत में जियोलॉजिकल म्यूजियम स्थित है, जो भूविज्ञान प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ग्वालियर का जीवाजी चौक बाजार हस्तशिल्प, हाथकरघा उत्पादों और आभूषणों के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस स्थान पर कई बाजार हैं, जहां आप अपनी जरूरत के अनुसार सामान बहुत अच्छे दामों पर खरीद सकते हैं। यहां तक कि आप यहां ग्वालियर के प्रसिद्ध स्ट्रीट स्नैक्स का स्वाद भी ले सकते हैं। महाराज बाड़ा पर ही स्थित डिजिटल म्यूजियम में ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्र की संस्कृति, लोक कला, खान पान और इतिहास को डिजिटल रूप में सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। संग्रहालय के प्लेनेटोरियम में आप ग्रह, नक्षत्र और तारों को निहार सकते हैं। बाड़ा क्षेत्र से 100 मीटर दूरी पर स्थित है 50,000 से भी अधिक किताबों का संग्रह रखने वाला केंद्रीय पुस्तकालय। पुस्तकालय के ऐतिहासिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसे डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित किया गया है। गोरखी स्कूल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ाई की है। ग्वालियर शहर के आसपास भी कई मनोरम पर्यटन स्थल हैं। 22 किलोमीटर दूर तिघरा डैम न सिर्फ ग्वालियर को पीने का पानी सप्लाई करता है, बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन यहां बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ग्वालियर से 47 किलोमीटर दूर ये बेहट गाँव संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली है। किंवदंती है कि घनघोर बारिश में भगवान शिव को जल चढ़ाने पहुंचे तानसेन ने जब शिव के कहने पर संगीत की तान छेड़ी तो ये मंदिर टेढ़ा हो गया। बेहट की पहाड़ी पर ये किला पराक्रमी महाराजा छत्र सिंह राणा ने बनवाया था। राणा शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के साथ ही ये किला वास्तुकला का बेहतरीन नमूना भी है। बेहट से 66 किलोमीटर दूर मौजूद ये सालबाई गढ़ी अंग्रेज मराठा युद्ध संधि की गवाह है। 1782 की ऐतिहासिक सालबाई संधि के बाद 20 साल लंबा शांति काल रहा। सालबाई से 14 किलोमीटर दूर ये प्राचीन मंदिर धूमेश्वर है। ओरछा नरेश बनने की खुशी में वीर सिंह बुंदेला ने देश में 52 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें से एक ये मंदिर है। मंदिर में दो तरह की स्थापत्य कला दिखाई पड़ती है। मंदिर के पास पार्वती नदी बहती है, नदी पर सुंदर जलप्रपात इसकी शोभा बढ़ाता है, जिसके धुएं जैसे दिखने की वजह से धूमेश्वर नाम पड़ा। धूमेश्वर मंदिर से कुछ दूर पवाया गांव में ही आप देखेंगे नागवंशियों द्वारा निर्मित विशाल बहुमंजिला रंगमंच। पवाया गांव प्राचीन काल में पद्मावती के नाम से मशहूर एक भव्य शहर था, जिसका उल्लेख 8वीं शताब्दी में भवभूति की रचना मालती माधव में मिलता है। ग्वालियर के गौरवशाली विरासत की ये मात्र झलक है, असली लुत्फ इसे रूबरू देख